हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेस्टी नाश्ता बना के दिखाऊंगी। चलिए दिखाते हैं। ये मेरी 3 रोटी बच गई है। आज से आप रोटी फेंकना बंद कर देंगे। ये रोटी मैं ले ली हूँ और इसे मैं ऐसे रोल बनाऊंगी। रोल बना के पतला पतला कट करूंगी। मैं अच्छे से कट कर ली हूँ और देख सकते हैं ये रोल में ही कट हुआ है। इसको रोल से हम अलग कर लेंगे। रोटी कट गई है, देख सकते हैं। अब मैं लूँगी सब्जी। अब सब्जी में आपके पास जो भी सब्जी होगा आप ले सकते हैं। ये है पत्ता गोभी, पतला पतला हम कट कर लेंगे। और ये है गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर। आपके पास जो भी सब्जी हो आप ले सकते हैं। इसे मैं कट कर ली हूँ अच्छे से। चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में गैस पे चढ़ा दी हूँ और इसमें मैं ऑयल डालूँगी। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हमारा हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और सब्जियां डालेंगे सब। सब्जी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक हम ऐड कर देंगे ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए। इसको हम ढक के पकाएंगे 2 मिनट। 2 मिनट हो गया है, देख लेती हूँ सब्जी हमारा पका है कि नहीं। सब्जी हमारा पक के रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये कटी हुई रोटियाँ भी डाल देंगे। बन के रेडी हो गया ये नाश्ता, देख सकते हैं आप। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। एक बार बच्चे खाएंगे तो रोज़ रोज़ बोलेंगे कि बनाओ नाश्ता ये वाला। गर्मा गर्म निकाल के सर्व करेंगे। देख सकते हैं कितना टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो गया है। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नाश्ता कैसा लगा आपको। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।